हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैंने पिछले वीडियो में हैमिल्टन्स इक्वेशन करवाया था। आज उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो इसको ऐड करके लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो चलिए, पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, सिंपल पेंडुलम। हैमिल्टन्स इक्वेशन का पहला जो आपका एप्लीकेशन है सिंपल पेंडुलम। इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो कंपाउंड पेंडुलम, जो आपके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में लगभग ये क्वेश्चंस को रिपीट करके पूछा गया है कि व्हाट इज हैमिल्टोनियन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में तीन चार इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो हर बार रिपीट करके आप लोगों को पूछा जाता है। तो चलिए, पहला हम लोग करेंगे सिंपल पेंडुलम। तो ये मैंने एक सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो सिंपल पेंडुलम, आप लोग पेंडुलम से वाकिफ हो गए कि सिंपल पेंडुलम इस तरह से रोटेट करता है, इस तरह से मूव करता है। तो इसका हम लोग क्या किए हैं, एक्स एक्सिस की ओर जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है कुछ दूर, ये इस तरह से, तो इस डायरेक्शन में हम लोग इसको लिए हैं। इसका लेंथ क्या है, एल है, और यहाँ ओ से ए जो है यह इसका रेस्ट पोजिशन है, और ओ से एक्स क्या है इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो चलिए, इसी के बारे में जो फिगर है यहाँ पर, इसी के बारे में यहाँ पर हम लोग इसको अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, लेट एम इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सिंपल पेंडुलम, मास ऑफ सिंपल पेंडुलम और मास ऑफ बॉड, मास ऑफ बॉड, मास ऑफ सिंपल पेंडुलम भी आप लोग सिंपली बोल सकते हो, या इधर भी मास ऑफ बॉड भी लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। ये जो आपको दिख रहा होगा वो बॉड है, ये आपको दिख रहा होगा ये सब बॉड है। तो एल क्या है इसका, यहां पर देखिए, एल एल क्या है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का लेंथ है। ओ ए, ओ ए रेस्ट पोजिशन ऑफ बॉड कंसिडर एज वाई एक्सिस, ये जो क्या है रेस्ट पोजिशन है इसका, ओ से ए जो आपका यहां पर आने के बाद इसको इधर स्टॉप कर देगा, ये रेस्ट पोजिशन, इस पोजिशन में आकर के ये रेस्ट हो जाएगा। तो किधर है, वाई एक्सिस की ओर। अब ओ एक्स क्या है, ओ एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ओ कंसिडर एज एक्स एक्सिस। ओ एक्स क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, किस एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस की ओर। अब यहां देखिए थीटा, थीटा क्या है आपका, यहां पर थीटा होगा आपका एंगल, एंगल आपका यहां पर थीटा होगा। थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉड एट एन इंस्टेंट, ये थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग जानते हैं लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम, लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम एल इज इक्वल टू टी माइनस वी, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी, लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम लोग एल इक्वल टू वन बाय टू आई ओमेगा स्क्वायर, वन बाय टू हाफ एम वी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे यहां पर, वन बाय टू आई ओमेगा स्क्वायर। अब पोटेंशियल क्या होता है, माइनस एम जी एल कॉस थीटा, एम जी एल कॉस थीटा, एक्स एक्सिस का बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए एम जी एल कॉस थीटा। तो एल स्क्वायर टू क्या हो जाएगा आपका, वन बाय टू। अब यहां देखिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाय टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल कॉस थीटा, वन बाय टू आई ओमेगा स्क्वायर यहां पर हम लिख सकते हैं, वन बाय टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। आप लोग जब भी इस क्वेश्चन को करोगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये डॉट को आप लोग अगर छोड़ देते हो तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये डॉट को ध्यान में रखते हुए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करोगे। इसके बाद हम लोग अब जानते हैं, सो पी थीटा इज इक्वल टू डेल एल बाय डेल थीटा डॉट, डेल एल बाय डेल थीटा डॉट इक्वल टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, इतना होता है इसका वैल्यू पी थीटा का मान। तो यहां से अगर हम थीटा डॉट का मान निकालें, यहां से थीटा डॉट का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर, ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इतना इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इस एंगल पर, पी थीटा बाय
एम एल, ये थीटा पी के बेस में रहेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए हैमिल्टनियन इक्वेशन, मैंने पिछले वीडियो में करवाया था हैमिल्टन इक्वेशन, उससे पिछले वीडियो में करवाया था हैमिल्टनियन। तो हैमिल्टनियन का जो फाइनल आंसर आया हुआ था हमारा इतना था, तो एच इक्वल टू सम ऑफ जे पी जे क्यू जे माइनस एल। तो हम लोग पी जे क्यू जे माइनस एल का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से एल, अब यहाँ पीजे के लिए क्या हो जाएगा, पी थीटा थीटा डॉट माइनस क्यू एल के क्यू जे के जहां पर हम लोग क्यू जे डॉट यहाँ पर क्या पुट करेंगे, वन बाई टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, एल यहाँ पर क्या करेंगे माइनस एम जी एल कॉस थीटा। अब हम लोग पी थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, पी थीटा का वैल्यू यहाँ पर पी थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से जानते हैं एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। तो यहाँ एच स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, पी थीटा का वैल्यू हमने पुट किया, एक थीटा डॉट मेरे पास पहले से था तो ये थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी टर्म सेम हो गया, वन बाई टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल कॉस थीटा। अब इसमें से अगर हम इस टर्म को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, एच स्क्वायर टू वन बाई टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल कॉस थीटा। ये देखिए मैंने क्या किया है, इस टर्म से एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर से माइनस किया है, वन बाय टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर को माइनस कर दिया। ये कितना हो गया, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इसके आगे हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे आने वाले सेशन के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां तक तो हम लोगों ने पिछले सेशन में किया हुआ था, अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग थीटा डॉट का वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा डॉट का वैल्यू क्या होता है, क्यू पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर, थीटा डॉट का वैल्यू होता है जो हम लोगों ने पिछले सेशन में किया हुआ था कि थीटा डॉट स्क्वायर टू पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर टू वन बाय टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दिया पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर यहां पर आ गया, बाकी एमजीएल कॉस थीटा एमजीएल कॉस थीटा आपका सेम रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एम एल स्क्वायर से ये एम एल स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पर कितना था स्क्वायर में था, तो एक एम एल स्क्वायर बच जाएगा आपका। तो एच स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, वन बाय टू, अब यहां देखिए पी थीटा स्क्वायर, पी थीटा स्क्वायर, अब यहां से एक कैंसिल हुआ तो एम एल स्क्वायर तो आपका एक बच गया, तो बाय एम एल स्क्वायर यहां से एमजीएल कॉस थीटा सेम रह गया। तो यह देता है क्या, दिस गिव्स, यह क्या देता है, डेल एच बाय डेल पी थीटा स्क्वायर टू पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर, और यहां पर आपका ये क्या देगा, डेल एच बाय डेल थीटा आपका ये देगा, यहां देखिए डेल एच बाय डेल पी थीटा जो है आपका यहां से पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर, अब यहां से ये डेल एच बाय डेल थीटा क्या देगा आपको, एमजीएल साइन थीटा, एमजीएल साइन थीटा यूजिंग हैमिल्टोनियन कॉनिकल इक्वेशन। हम लोग हैमिल्टोनियन कॉनिकल इक्वेशन को हम लोग करेंगे, तब हम लोगों ने यहाँ क्या निकाला हुआ था, थीटा डॉट का वैल्यू क्या होता है, डेल एच बाय डेल पी थीटा स्क्वायर टू पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर। तो यहां से अगर हम पी थीटा का मान निकालें, यहां से पी थीटा का मान निकाले तो क्या हो जाएगा आपका, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर टू पी थीटा, पी थीटा का वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाला, तो यहां पर एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर ये आपका रह गया। ये इक्वेशन को आप लोग इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर दोगे, एंड पी थीटा डॉट का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू माइनस डेल एच बाय डेल थीटा स्क्वायर टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तब क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो ये जो आपको दिख रहा होगा, हम लोग क्या किए, ये माइनस को इस साइड ले आए, इक्वल टू के इस साइड ले आए, तो एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अब लास्ट में हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे सब जगह पर, तब मेरा क्या बच जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा डॉट बच जाएगा डबल डॉट प्लस यहां से जी बच जाएगा बाय एल, एम एल तो कैंसिल हो जाएगा, तो उसका थीटा
डबल डॉट प्लस एन जी बाय सॉरी थीटा डबल डॉट प्लस जी बाय एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन। तब हमारा क्या हो जाएगा, थीटा साइन थीटा जो है साइन थीटा वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके, थीटा के बराबर होगा। तब क्या होगा हमारा, थीटा डॉट इक्वल टू क्या, थीटा डॉट प्लस जी थीटा बाय एल। ये देखिए साइन थीटा जब थीटा के बराबर हो जाए तब हमारा इक्वेशन क्या होगा, थीटा डॉट प्लस जी थीटा बाय एल इक्वल टू जीरो। ये हो गया स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड गिव्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा जी बाय एल, हम लोग इसको क्या मान लिए ओमेगा स्क्वायर से। तो यहां से अगर हम ओमेगा का वैल्यू निकालें तो ये तो अंडर रूट में चला जाएगा जी बाय एल अंडर रूट जी बाय एल। अब हम लोग ओमेगा का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाय टी, ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाय टी, ओमेगा इक्वल टू टी पाई बाय टू पाई बाय टी इक्वल टू ये जी एल। तो यहां से अगर हम टी का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, टू पाई ब्रैकेट अंडर एल बाय जी। ये हो गया आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूरा कंप्लीट आंसर। अगर आप लोगों को हैमिल्टन इक्वेशन पूछा जाता है और उसके साथ साथ सिंपल पेंडुलम के बारे में पूछा जाता है तो यहां तक आप करके छोड़ दोगे। एप्लीकेशन में कोई फिक्स नहीं है कि एक ही एप्लीकेशन पूछा जाएगा, बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसमें से ज्यादातर सिंपल को तो बहुत कम पूछा गया है, कंपाउंड को ज्यादा पूछा गया, बार बार उसको रिपीट किया जाता है। तो बिना भावे के अनुसार इस क्वेश्चन को अगले सेशन में हम लोग करेंगे कंपाउंड पेंडुलम। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आगे वीडियो में, थैंक यू।